अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन किचन विद अलीना। आज हम अपने किचन में जो चीज़ बना रहे हैं उनका नाम है स्प्रिंग रोल। जो चिकन से बना रहे हैं मीन्स चिकन स्प्रिंग रोल। आप मेरी वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आज की हम जो रेसिपी बना रहे हैं स्प्रिंग रोल, उनके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है, ये मैंने ली हुई हैं रोल पट्टियाँ ली हुई हैं, मैंने घर में बनाई हैं। आप बाज़ार से रेडीमेड भी ले सकते हैं, आप किसी भी बेकरी से जाके हमें बोल सकते हैं कि हमें रोल पट्टी दे दें तो आपको ये पैक मिल जाएगा। साथ में मैंने हाफ कप लिया है मैंने गाजर, ये देखें इस तरह से मैंने बारीक बारीक काट लिया, और मैंने साथ में लिए हाफ कप मैंने लिए बंद गोभी, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, जिस तरह से गाजरों को बारीक बारीक देखे काटा हुआ है। और साथ में मैंने लिए 1/4 कप मैंने लिया शिमला मिर्च, इसे ये देखें कि उसकी फॉर्म है, बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। चिकन लिया है मैंने 1/2 कप, साथ में मैंने स्पाइसेस लिए हैं 1/4 टीस्पून मैंने लिया लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने लिया गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने लिया काली मिर्च और 1/2 टीस्पून लिया मैंने नमक, साथ में ये 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सिरका, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सोया सॉस। चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने, इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, आंच को हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। अब इसमें हम ये जो 1/2 कप चिकन था वो ऐड कर देंगे और इसे 3 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जिसे अच्छी तरह से पक जाए, इसका पानी खुशक हो जाए। ये देखिए हल्का हल्का वाइट होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए चिकन अच्छी तरह से वाइट हो गया है, इसका पानी हिचक हो गया है। अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे, गाजर ऐड करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करेंगे, बंद गोभी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब हम लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और नमक ऐड कर देंगे। साथ में इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे। ये सोया सॉस ऐड हो गई है। अब हम इस पर सिरका ऐड करेंगे। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इन्हें पकाएंगे, ताकि सोया सॉस और विनीगर जो सिरका है अच्छी तरह से इनमें रच जाए। ये देखेंगे बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और रोल तैयार करेंगे। ये देखिए स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून मैदा लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका गाढ़ा सा मिक्सर बना लेंगे हम। और ये देखिए मिक्स कर लिया, ये ऐसा होगा, इस तरह से फॉर्म में होगा। चलिए अब हम अपने स्प्रिंग रोल तैयार करते हैं। ये देखिए मैंने एक रोल पट्टी ली है, अब उसके ऊपर हम ये अमेजा रखेंगे, देखिए इस तरह से रख लिया मैंने। अब इसे हम फोल्ड करेंगे ऐसे, ऐसा से ऐसे करके हम इसे फोल्ड करेंगे। साइडों पे हमने ये जो मैदे का अमेजा बनाया था उसे लगाएंगे, ये साइड पे भी लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए। अब हम इसे इधर से पकड़ के फोल्ड करेंगे, ऐसे ही हम इधर से भी पकड़ के फोल्ड करेंगे, इसे रोल करेंगे, इसी तरह से इधर भी लगाएंगे। इसे यूं करके फोल्ड कर देंगे, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। ये देखें इस पे भी हम ऐसे ही हमेशा रखेंगे, ऐसे करके इसे रोल करेंगे, ये देखिए। बस देखने में थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आप अपने हाथों से बनाएंगे तो आपको ये इजी लगेगा, आसानी से फोल्ड भी हो सकता है। इधर भी हम अमेजा लगाएंगे, फोल्ड करेंगे,
इधर से भी फोल्ड करेंगे, रोल करेंगे, ऐसे ही हम इधर भी अमेजा लगाएंगे और इसे भी फोल्ड कर देंगे। ये देखें जो हमारे स्प्रिंग रोल है वो फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखें, एक मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था, उसे मैंने प्री हीट कर लिया है। अब उसमें एक एक करके हम ये जो अपना स्प्रिंग रोल है ये ऐड करेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। इसी तरह से हम बाकी के सारे भी ऐड कर देंगे। ये देखें, हमने सारे स्प्रिंग रोल इसके अंदर डाल दिए हैं फ्राई होने के। अब इन्हें हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, हमारे जो स्प्रिंग रोल्स हैं वो लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब इनकी साइड्स को चेंज कर देंगे। 3 से 4 मिनट लगे हैं इन्हें लाइट गोल्डन होने में। अब इनकी साइड हम चेंज करेंगे। ये देखें, इनकी साइड्स चेंज कर दी हैं। ये देखिए, लाइट लाइट कलर आ गया है। अब हम इन्हें मज़ीद 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं और अंदर से पक जाएं। ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, हमारे जो स्प्रिंग रोल्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है इनका। ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो गए, अच्छे से पक भी गए हैं। देखिए, आप मेरी वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।